देश भर में तीन तलाक के खिलाफ कानून को आए एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन तीन तलाक देने वाली मानसिकता पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी आए दिन कहीं ना कहीं देश में मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का शिकार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती के बाद भी तीन तलाक के मामलों को चोरी छिपे अंजाम दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाना क्षेत्र में तीन तलाक देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़िता ने भवानीगंज थाने में तहरीर देकर न्याय की मांग की है। तीन तलाक के इस मामले को लेकर पीड़िता ने बताया कि 94-95 में मेरे पिता की डेथ हो गई थी। 2007 में मेरे नाना और मामू ने मेरी शादी की। 2007 से लेकर अब तक मेरे हस्बैंड फराज अहमद मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। मेरे भाई पहले छोटे थे, जब वो कुछ करने लगे तो इनकी डिमांड पूरी कर देते थे, लेकिन आए दिन इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। 2016 में इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और घर से निकाल दिया। मैं अपनी माँ के यहाँ आ गई, फिर नाना और मामू ने और मेरी माँ ने इनको समझाया और मुझे वापस भेज दिया। इनका मारना पीटना कम नहीं हुआ। मैं घरेलू हिंसा व दहेज का और घर से निकाल दिया। मैं अपने माँ के यहाँ आ गई, फिर नाना मामू ने समझा कर इनको मुझे वापस भेज दिया। फिर इनका मारना पीटना कम नहीं हुआ। मैं आज ही जाकर घरेलू हिंसा व दहेज का केस कर दिया। इसी बात को लेकर इन्होंने कल मुझे तीन तलाक दे दिया। मैंने थाने पे एप्लीकेशन तीन तलाक का दिया है, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है। और इन्होंने खुद मुझे बताया है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, ठाकुर दीप्ति शेखावत उसका नाम है। और अगर सुनवाई अगर कुछ हुआ नहीं तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे 10 साल की बेटी है, मेरे फादर भी नहीं है। मेरी प्रशासन से अपील है कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। जिससे परेशान होकर पीड़िता महिला अपने माँ के घर वापस आ गई। हाँ, इसके साथ ही हम लोग ने 2007 में की और मेरे हस्बैंड है नहीं, एक्सपायर हो गए बहुत दिन हुआ उनको। अब ये लोग दहेज के लिए जो परेशान करते थे, मारते पीटते थे, कुछ ना कुछ मांग करवाते थे। मेरे बच्चे छोटे थे, अब थोड़ा बहुत कमाने लगे हैं, फिर उनको घर से ही निकाल दिए। 2016 में संधा बुझा के फिर वापस किया गया। अब पता चला कहीं शादी भी कर लिया है। कल मेरे घर पे आके तीन तलाक बोल दिए, कोई है नहीं कि इसका ज़्यादा वो करे। केस दाखिल होने के बाद फरहाज ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया, जो कि अब भारत में गैर कानूनी है। तीन तलाक देने के बाद फरहाज ने किसी और महिला से शादी कर ली, जिसका नाम पीड़ित महिला ने ठाकुर दीप्ति शेखावत बताया है। तीन तलाक की पीड़ित मुस्लिम महिला ने अब मामले की शिकायत पुलिस थाने में की है। कल थाना भवानीगंज में एक महिला ने तीन तलाक के विषय में एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर जांच करके FIR दर्ज कर ली गई है, आगे वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। ऐसे में महिला को सिर्फ कानून का सहारा ही है, लेकिन सवाल यहां फिर से वही है कि कब सुधरेंगे तीन तलाक देने वाले लोग? क्या इन लोगों को भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, जो मजहब के नाम पर इस तरह की गैर कानूनी कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए VK News UP के साथ। धन्यवाद।